आज के डेट में पैन लेवल पे जो रिस्पांस मिल रहा है साउथ की मूवीज को, उससे ऑलमोस्ट बॉलीवुड पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। क्योंकि जिस लेवल पे साउथ वाले कंटेंट बना रहे हैं, बॉलीवुड उसके आसपास भी नहीं भटकता, जिस वजह से बॉलीवुड की हर बड़ी मूवी लिटरली धूल चाट रही है। और जहाँ साउथ की मूवीज 100-200 हजार करोड़ का बिजनेस आसानी से कर रही है, वही बॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज भी 50 करोड़ कमाने के लिए तरस रही है। अब जिस तरह से सदन मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकल के आ रहे हैं, आरआरआर, विक्रम और केजीएफ इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। और द कश्मीर फाइल्स की बात कर तो उसने तो एक बहुत बड़ा ही रिकॉर्ड बना दिया है, क्रिटिकली भी और कमर्शियल भी। तो इससे ये बात क्लियर हो रही है कि एक अच्छे मूवी पे ऑडियंस अच्छा खासा पैसा फूंकती है। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि बॉलीवुड की इतनी ग्रैंड मूवीज रिलीज होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर इतनी बुरी तरह से क्यों पिट रही है। इसका सिंपल सा आंसर ये है कि बॉलीवुड की जो मूवीज होती है वो आजकल टेक्निकली तो बहुत अच्छी होती है, पर स्टोरी टेलिंग और कंटेंट के नाम पर बॉलीवुड अल्टीमेट लेवल पे हग रहा है। जहाँ साउथ में ताजा ताजा नया नया फ्रेश कंटेंट देखने को मिलता है, जिसके स्टोरी टेलिंग का तरीका बहुत ही यूनिक होता है, और सबसे बड़ी बात कंटेंट से भरी एक कमर्शियल मास मूवी होती है जो लॉजिक के साथ बवाल लेवल का एंटरटेनमेंट देती है। और कार्तिकेय 2 इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, जो लिटरली बॉक्स ऑफिस को बहुत ही बुरी तरह से फोड़ रही है, वो भी सिर्फ अपने फ्रेश और यूनिक कंटेंट और स्टोरी टेलिंग के दम पर, जो बॉलीवुड के हाईफाई मूवीज के अंदर ना के बराबर है। क्योंकि बॉलीवुड के घिसी पिटी स्टोरी टेलिंग का तरीका अभी तक बदला नहीं है। क्या मतलब पापा जी ठरकी हो गए, ठरकी कुकुट ठरकी। अब देखो जिस तरह से साउथ में बजट और टैलेंट का यूज बहुत ही कड़क लेवल पे किया जाता है, यानी वो चीज मूवी की कास्टिंग, विजुअल्स और परफॉर्मेंस के अंदर तुम्हें नजर आती है, और पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा के हर सीन को ग्रैंड बनाने की कोशिश की जाती है। केजीएफ 2 और मिन्नल मुरली उसका बहुत बड़ा एग्जांपल है, क्योंकि जिस बजट पे ये दोनों भी मूवीज बनी हैं, उनके विजुअल्स देख के ऐसा लगता है कि ये दोनों भी मूवीज काफी तगड़े बजट पे बनी हैं, पर एक्चुअली में मिन्नल मुरली काफी लो बजट सुपर हीरो मूवी है। और केजीएफ के दोनों भी चैप्टर के बजट की बात ही क्या करूं, सिर्फ 150 करोड़ के बजट में ये दोनों भी पार्ट्स बने हैं। और जिस लेवल पे केजीएफ 2 ने बॉक्स ऑफिस पे पैसे छापे हैं, उतने बजट में केजीएफ का पूरा यूनिवर्स बन सकता है, क्योंकि साउथ के मेकर्स के पास वैसे क्रिएटिविटी है। वही बॉलीवुड में एक फैमिली ड्रामा बनाने के लिए भी 60-70 करोड़ का यूज किया जाता है, जहाँ पे क्रिएटिविटी के नाम पे नंगा नाच दिखाया जाता है, वो भी बिना किसी लॉजिक के। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है शमशेरा, जो एक एक्शन मूवी कम और रोमांटिक मूवी ज्यादा लग रही थी। अब बॉलीवुड टैलेंट का इतना टट्टी लेवल पे यूज करेंगे तो शोज कैंसिल नहीं होंगे तो और क्या होंगे। तेरी माँ का मुकुट क्वीन क्राउन सर। ऊपर से साउथ की जो भी मूवीज होती है वो पूरे ग्लोबल ऑडियंस के लिए बनाई जाती है। अब उसमें बजट, स्टार, फलाना ढिमकाना बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। मैटर करता है बस एक जेन्युइन कंटेंट जो लोगों का एंटरटेन कर सके। इसीलिए तो आज ट्रिपल आर हॉलीवुड में ऑस्कर के स्टेज को हिला रहा है। यहाँ तक कि मार्वल्स के बड़े बड़े क्रिएटर्स भी ट्रिपल आर की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे हैं। उस लेवल पे आज सदन मूवीज पहुंच चुकी है। वही बॉलीवुड के ऑडियंस को देखा जाए तो वो आज भी मल्टीप्लेक्स के ऑडियंस में फंसा हुआ है, जिसका सो कॉल्ड अर्बन कंटेंट छोटे शहरों तक तो बिल्कुल नहीं पहुंचता। वही YouTube से लेके फ्री के छतरी में साउथ का गर्मा गर्म मसालेदार कंटेंट लोगों तक पहुंच रहा है हर कोने में, जिस वजह से साउथ का कंटेंट पूरी दुनिया में गर्दा उड़ा रहा है। इतना ही नहीं, हॉलीवुड के बड़े बड़े मूवीज को ओवरटेक करके ऑस्कर जैसे एकेडमिक अवार्ड में खुद को कंटेंडर बना रहा है। और ये बवाल सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि सदर मूवीज ने खुद को टाइम के हिसाब से बदला है, और एक जमाने में जिसके एक्शन और डायलॉग्स का मजाक उड़ाया जाता था, आज उसी क्रिएटिविटी ने इंडियन सिनेमा का नेक्स्ट लेवल का बेंचमार्क सेट किया है, जिस वजह से बॉलीवुड की हालत आज मिट्टी में मिल जाने जैसी हो चुकी है, और ऐसे ही इपिक लेवल का शिट बॉलीवुड दिखाते रहा। तो बॉलीवुड का हिस्ट्री होना तय है, जो कब माइथोलॉजी बन जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। तो इसी बात पे जीबीएफ का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक करना, दिमाग में बैठा हो तो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ किसी नए कॉन्टेंट के साथ, टेक केयर, गुड बाय। घुस के मारेंगे।